Question 2 of exercise 8.1. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. How many computers will we need? 24 students. 24 को कितने computer की need पड़ेगी? Means आपकी जो 3 computer यहाँ पे 3 computer है वो 6 students के लिए हैं, तो आपको find out करना 24 के लिए कितने computer की need पड़ेगी. तो let be the computer, computer पता नहीं, let be the computer. ठीक है, अब उन्होंने बोला है थ्री कंप्यूटर में 6 स्टूडेंट वर्क करते हैं, तो रेशो कैसा है? 3:6 का रेशो है, इक्वल टू 3 कंप्यूटर पे. यहाँ पे आपको कंप्यूटर पता नहीं है, यहाँ पे 3:6:24 स्टूडेंट है. यहाँ पे किसका रेशो निकाला है आपने? कंप्यूटर रेशो निकालेंगे, कंप्यूटर रेशो स्टूडेंट. यहाँ पे भी कंप्यूटर रेशो स्टूडेंट. ठीक है, अब कंप्यूटर कितने थे आपके? 3:6 आपके 6 थे, इक्वल टू आपके कंप्यूटर एक्स थे, देन आपका स्टूडेंट कितने थे? 24. अब आप इसको रेशो फॉर्म में है तो आप ऐसे किस लेंगे? 3:6 देन एक्स अपॉन 24. यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, अब यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करने में कितने कंप्यूटर की नीड पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3:6 हुआ और यहाँ पे हुआ 24 × 3. ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया. कैसे? क्रॉस. ठीक है, अब आपका 6x ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे आया 72 आपकी x 72/6. कट करेंगे, 6 × 6 = 12. मतलब आपको जो 24 स्टूडेंट है उनके लिए आपको कितनी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी? 24 स्टूडेंट की. तो आंसर लिखेंगे 12 कंप्यूटर 24 के लिए. 12 कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट. ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 का यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, 6 स्टूडेंट यूज टू 3 कंप्यूटर, 1 स्टूडेंट यूज देन 24 स्टूडेंट. आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये यहाँ पे कंपेयरिंग वाला है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज की है, इसलिए हमने यहाँ पे रेशो को यूज किया. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड.